विश्व हिंदू परिषद जिला मंदसौर ने सुशासन भवन पहुंचकर अपर कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम खरगोन जिले की घटना को लेकर दिया ज्ञापन। मंदसौर के विश्व हिंदू परिषद जिला मंदसौर के नेतृत्व में आज एक वाहन रैली के माध्यम से मंदसौर सुशासन भवन पहुंचकर खरगोन एवं सेंधवा में हिंदू समाज के द्वारा निकाली गई शोभा यात्रा पर कुछ मुस्लिम लोगों द्वारा सुनियोजित तरीके से कई पथराव, आगजनी, लूटपाट तथा महिलाओं को अपमानित किया गया, जिसके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में ड्रोन से निरंतर निगरानी कराई जाए। मंदसौर सुशासन भवन पहुंचकर आज विश्व हिंदू परिषद जिला मंदसौर के पदाधिकारियों ने अपर कलेक्टर आरपी वर्मा को बुधवार को 1:15 पर ज्ञापन दिया गया, जिसमें मांग की गई कि जिन लोगों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। मंदसौर के हिंदू नेता गुरुचरण बग्गा द्वारा मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश की घटना से सबक लेते हुए भी खरगोन प्रशासन ने गंभीरता से ध्यान नहीं दिया और खरगोन प्रशासन ने इस और गंभीरता से ध्यान नहीं देने के कारण इस तरह की घटना हुई है। प्रशासन को भी इस तरह जुलूस पर मुस्तैद होकर ध्यान देते हुए ऐसे हुड़दंग मचाने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई करना चाहिए और ऐसे जुलूस के समय ऐसे जो लोग पहले ही चिन्हित कर उनको हिरासत में लेना चाहिए, जिससे शहर की फिजा नहीं बिगड़े और मंदसौर के पूर्व SP जो कि वर्तमान में खरगोन SP है उनके ऊपर भी ऐसे हुड़दंग मचाने वाले लोगों द्वारा गोली मारी गई, जो कि प्रशासनिक अधिकारी को नहीं छोड़ता है। ऐसे ही और हुड़दंग करने वाले लोगों को तो सख्ती से निपटना ही चाहिए और लोगों के घर में घुसकर हुड़दंग करने वाले लोगों ने लूटपाट की है। विश्व हिंदू परिषद के जिला महामंत्री हेमंत बुलचंदानी ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कहा गया था कि जिन घरों से पत्थर आए थे उनको घरों को पत्थरों के ढेर बना देंगे, इसलिए ऐसे जितने भी घर हैं उन पर बुलडोजर चढ़ाकर कार्रवाई नहीं की तो विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता यह सब चीज़ें अपने हाथ में लेंगे और वह सड़कों पर उतर कर इसका विरोध करेंगे और ऐसे जो देश भर में लोग माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं ऐसे लोगों को चिन्हित कर कठोर कार्रवाई की जाए। इस तरह की मांगों को लेकर एक ज्ञापन दिया है। अपर कलेक्टर आरपी वर्मा ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने ज्ञापन दिया, ज्ञापन मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के पास पहुँचा दिया जाएगा और इस तरह के कोई काम में लिप्त हो जो माहौल बिगाड़ने में लगे रहते हैं ऐसे लोगों की शिकायत पुलिस को भी कर सकते हैं, उन पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश की घटना को देखते हुए भी प्रदेश के प्रशासन ने, विशेषकर पुलिस प्रशासन ने, उसे सबक नहीं लिया है। जब भी कोई हिंदुओं के बड़े उत्सव या त्यौहार आते हैं और उसके कार्यक्रम होते हैं तो मुसलमानों के द्वारा पूरी तैयारी करके उन पर आक्रमण किया जाता है और ऐसी जगह आक्रमण किया जाता है कि उनको चारों तरफ से घेर कर हथियारों से, पत्थरों से, डंडों से उनके ऊपर आक्रमण किया जाता है, घरों में घुसकर महिलाओं के साथ अत्याचार किया जाता है, दुर्व्यवहार किया जाता है और उसकी वो पूरी तैयारी अपने घरों में रखते हैं। प्रशासन के कहीं ना कहीं इसमें फेल्योर रहा है कि वो जब प्रशासन ने स्वयं उस कार्यक्रम के लिए शोभा यात्रा निकालने की अनुमति दी थी तो क्यों नहीं उस क्षेत्र में सर्चिंग करके पहले से उसकी तैयारी कर ली गई। मैं प्रशासन से और माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करना चाहूँगा, मांग करना चाहूँगा कि जब भी कोई ऐसे बड़े कार्यक्रम आते हो, किसी भी समाज के हों, तो ऐसे जो आतंकवादी लोग हैं जिनकी हिस्ट्री ही हम सबको मालूम है कि वो ऐसे मौक़ों पर उत्पात किए बिना मानते नहीं हैं, ऐसे लोगों को पूर्व में ही निरुद्ध किया जाए और उनके घरों की तलाशियाँ पहले से ली जाए, उन मोहल्लों की तलाशियाँ पहले से ली जाए, जिससे कि इस प्रकार के कोई कार्यक्रम वो ऐसे कोई गतिविधि वो नहीं कर सके, आक्रमण नहीं कर सके। देखने में आ रहा है कि भाई साहब वहाँ खरगोन जिले में वहाँ पर कई घरों में लूटपाट भी की गई और SP को गोली भी मारी, मतलब दंगाइयों ने पत्थर चलाए वहाँ तक तो ठीक है, महिलाओं के साथ भी घरों में घुसकर दुर्व्यवहार किया गया है, गोलियाँ भी चलाई हैं और प्रशासनिक अधिकारियों पर SP लेवल तक के आदमी पर उन्होंने गोली चलाई है। ये बहुत गंभीर अपराध है और इसको बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए और कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। धन्यवाद। बड़ी शर्मनाक हरकत हुई है, जो सुरक्षा कर रहे थे वही सुरक्षित नहीं है और जो SP साहब गए वो मंदसौर से ही लेके गए थे, तो ये भी बड़ी दुख की बात है कि उनको ही गोली लग गई
और वहाँ का प्रशासन पूरी तरीके से फेल रहा, वो ध्यान नहीं रख पाया वहाँ के लोगों को। जबकि इसके पूर्व जब राम मंदिर का फैसला आया था तब हिंदू समाज ने अपना बड़ा दिल रखकर उसकी जो फैसले की जो खुशी थी वो जाहिर इसीलिए नहीं कही कि दूसरा समाज नाराज़ नहीं हो जाए, और उसकी चिंता करने का मुसलमान समाज ने हिंदू समाज को ये सिला दिया कि अपनी जो शांतिपूर्वक भगवान के नारे लगाते हुए, जय जय सियाराम करते हुए नारे लगाते हुए जो शोभा यात्राएँ निकल रही थी उनके ऊपर पत्थर बरसाए, बड़ा ही निंदनीय काम है। हम सरकार से मांग करते हैं कि जो आपने बयान दिया है कि जिस घर से पत्थर आए वो घर पत्थरों में मिल जाएंगे, ये चीज़ें सिर्फ बयान में नहीं रह के ज़मीन पे भी काम करें। जिन्होंने पत्थर बरसाए हैं उनके घर वाकई पत्थर में मिलने थी। क्या लगता है कार्रवाई नहीं हुई है? क्या कार्रवाई नहीं हुई तो फिर हिंदू समाज अपने सड़क पे आके कार्रवाई करेगा? अभी हम प्रशासन के भरोसे हैं, प्रशासन को बता रहे, चेता रहे, ज्ञापन देके कि प्रशासन कार्रवाई करे, नहीं तो उसके बाद विश्व हिंदू परिषद जो मालवा प्रांत हमारा बताएगा उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे और प्रशासन को मजबूर करेंगे ज़बरदस्त अच्छी कार्रवाई करने के लिए। धन्यवाद। खरगोन जिले को लेकर विश्व हिंदू परिषद के सभी पदाधिकारी उपस्थित हुए और उन्होंने ज्ञापन दिया। ज्ञापन में उन्होंने ये चिंता व्यक्त की कि खरगोन जैसी घटना अन्य जगह न हो, इसके लिए भरपूर प्रयास शासन प्रशासन को करना चाहिए। हमने भी उन लोगों से अपील की है कि यदि आपकी नज़र में कोई संदिग्ध गतिविधि आती है तो पुलिस प्रशासन के हमारे TI साहब, SP साहब, उनके नॉलेज में लाएँ, हमारे SDM और जो हमारा प्रशासन चैनल है उसके नॉलेज में ये चीज़ें लाएँ। घटना बहुत गंभीर प्रवृत्ति की है और इससे निश्चित रूप से कई लोगों को तकलीफ हुई है, तो उन्होंने कार्रवाई की मांग की। उनका ज्ञापन हम आवश्यक कार्रवाई के ऊपर भेजेंगे।